अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो होप आप सब लोग ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो दिस इज़ द थर्ड डे। मैं अब रेगुलर हो चुकी हूँ, रोज़ अपनी कोई ना कोई वीडियो अपलोड ज़रूर कर रही हूँ यूट्यूब पे। तो आप लोग सब मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करते जाइए, बिकॉज मुझे बहुत ज़रूरत है आप सबकी। सब्सक्राइब करेंगे मेरा चैनल थोड़ा और इंक्रीज़ हो जाएगा। तो अभी मैं जा रही हूँ जॉब पे, जैसे रोज़ मैं जाती हूँ। ये है आज तो फ्राइडे है, और फ्राइडे बहुत ही ब्लेस्ड होता है फॉर मी। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा फील होता है कि जो फ्राइडे है ना, वो मेरे लिए तो कुछ ज़्यादा ही ब्लेसिंग लेके आता है। और मुझे बहुत अच्छा लगता है फ्राइडे में बाहर जाना और अपनी नमाज पूरे टाइमली। मैं पढ़ती तो बाहर ही हूँ, ज़ाहिर घर तो होती नहीं हूँ, तो बहुत सुकून मिलता है ऐसे फ्राइडे को स्पेशल ऐसी तैयारी करके नमाज अदा करना। तो चलें फिर मैं आपसे बाद में मिलती हूँ। तो अभी आप पीछे मेरे देख सकते हैं कितनी ज़्यादा सनशाइन है। मुझे था कि आज फ्राइडे है तो फ्राइडे को थोड़ा सा होता है ना कि वेदर काफ़ी और अच्छा हो जाएगा, लेकिन नहीं, वेदर प्रेडिक्शन तो कल यही थी कि वार्मर देन टुडे, तो फिर आज तो फिर वार्मर ही होना था। धूप मुझे सही लगती है, लेकिन धूप तब अच्छी लगती है कि आप घर हो तो मतलब अपना काम वगैरह करो और धूप में बैठ जाओ। अभी इस तरह चलते हुए धूप मुझे नहीं इतनी पसंद। तो अभी मैं प्रे कर रही हूँ कि बहुत ज़्यादा सर्दी हो, नहीं नहीं इतनी ज़्यादा भी सर्दी ना हो कि मतलब, मुझे पता है कि सर्दी बहुत ज़्यादा हो तो सबको मसला होता है, कोई अमीर है गरीब है सबके लिए ही प्रॉब्लम होती है, लेकिन थोड़ी सी होनी चाहिए। बहुत गर्मी बर्दाश्त की है। फ्राइडे में जो रेगुलर रोड्स हैं ना, वो भी इतने ज़्यादा रशी नहीं होते, एम्प्टी एम्प्टी से ही होते हैं, सिग्नल्स भी वैसे बंद होते हैं, तो बड़ा मज़ा आता है फ्राइडे में। मेरी कॉलोनी है ये, आप लोग देखते ही होंगे, काफ़ी बार मैंने इसी में वीडियो बनाई है। ये मेरी कॉलोनी है, स्ट्रेट वे पे ही आती है। अच्छा, मुझे कमेंट में नीचे किसी ने लिखा हुआ था कि आप थोड़ी लॉन्ग वीडियो बनाया करें। अभी मेरे पास ऐसा सच कोई कैमरा अच्छा नहीं है, और कोई मेरे पास ऐसी फैसिलिटी नहीं है कि मैं लॉन्ग वीडियो बना पाऊँ। तो इंशाल्लाह जब मैंने लिया तो फिर मैं इंशाल्लाह ज़रूर लॉन्ग वीडियो बनाया करूँगी। अभी मुझे भी है कि मैं लॉन्ग वीडियो बनाऊँ, लेकिन अभी मेरे पास इतनी फैसिलिटीज़ नहीं है कि मैं कैमरा अच्छा ले लूँ या कोई और चीज़ या फ़ोन अच्छा ले लूँ, तो अभी नहीं। अभी जब मैं ले लूँगी तो इंशाल्लाह फिर आप लोगों के साथ शेयर भी करूँगी, तो फिर मैं बनाऊँगी ज़रूर लॉन्ग वीडियोज़। अभी तो आप देख ही सकते हैं कि मेरा रास्ता थोड़ा सा लंबा है, और गर्मी की वजह से इतना मुझसे क्विकली चला भी नहीं जा रहा। सर्दी हो तो बहुत मज़ा आता है चलने में। अभी तो थोड़ा सा रास्ता रह गया, फिर मैं आप लोगों को रिक्शे में बैठूंगी, फिर मैं आप लोगों के साथ अपनी वीडियो शेयर करूंगी। अब जैसा कि आप मेरे पीछे गेट देख सकते हैं कॉलोनी का, मैं गेट से बाहर आ गई हूँ। देखिए अब ये थोड़ी सी क्रॉस करके रोड आ जाएगी, और फिर मैंने रिक्शे पर बैठना है। चलो जी, मैं आ गई हूँ रोड पर, रिक्शे वाला तो रिक्शा लूँगी। देखते हैं रिक्शे से मतलब रिक्शा कब मिलता मुझे। मेरे पीछे आप देख सकते हैं, पता नहीं क्यों मुझे आज रिक्शा ही नहीं मिल रहा। फ्राइडे है, इस वजह से थोड़ी रश नहीं है तो रिक्शा नहीं मिल रही।